जय बाबा बर्फानी जी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी, बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय। हेलो, जय बोलो जी। हाँ जी, हाँ बस्ती से बोल रहा हूँ भैया। कहाँ से दीदी? बस्ती से, बस्ती अयोध्या। हाँ जी, हाँ जी बोलिए दीदी। हाँ कह रहे क्या हमारा बारी जाने मेरा कोई उम्मीद नहीं है क्या? उम्मीद तो है दीदी, अभी ऐसा कुछ नहीं है कि उम्मीद नहीं है, उम्मीद है अभी, बस थोड़ा सा ये कोरोना वायरस चक्कर में ना डिले हो रहा है, आगे से आगे डेट बढ़ रही है, तो अभी 4 तारीख तक क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 4 तारीख तक सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है? अभी तक ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं है उम्मीद, ठीक है? आप पहली बार जाते हैं? नहीं, अब मेरा चौथा बार था। बहुत बढ़िया। अच्छा, 4 बार जाते हैं, कौन से रूट से गए हैं आप? पहलगाम से जाते हैं, पहलगाम से आते हैं। पहलगाम से जाते हैं, पहलगाम से आते हैं जी। ओ भाई, ये तो मैंने मतलब पहली बार सुना, क्योंकि मैक्सिमम लोग तो बालटाल से, हम भी 10 साल हो गए पहलगाम से जाते हैं, बालटाल से वापस आते हैं। नहीं तो मैं पहलगाम से जाती हूँ, पहलगाम से आगे जाती हूँ। 4 साल से, 4 साल से कंटिन्यू जा रहे हैं आप? अब की मेरा चौथा साल है, 3 साल लगातार गए, 2017 से जा रहे हैं। अकेले जाते हैं या ग्रुप लेके जाते हैं, मतलब साथ में और भी लोग जाते हैं? अच्छा 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 ज्यादा लंबा नहीं, बहुत बढ़िया। अकेले जाते हैं दोनों। हाँ अच्छा अच्छा, तो कि हम मार्च में गए थे काफी जमाने अपने जिला अस्पताल में, तो वो कभी नहीं कुछ भी नहीं बन रहा है। अच्छा अच्छा, होली के बाद हम गए थे, होली के 2 दिन के बाद फिर वो कभी कागज नहीं मना था, बनेगा रजिस्टर नहीं होगा। हाँ वो था पहले 1 तारीख से था, फिर अब 15 के बाद था, अब 15 से 4 हो गया है, 4 मई के बाद बताएंगे कि रजिस्ट्रेशन कब होंगे, ठीक है जी? वही तो इधर लॉकडाउन लग गया, बड़ा परेशानी हो रहा है, टेंशन हो रहा है, कागज भी नहीं बना हमारा। नहीं नहीं कोई बात नहीं, टेंशन, अगर यात्रा होगी तो आप पक्का यात्रा पे जाएंगे, अगर यात्रा होगी नहीं तो कोई कुछ नहीं कर सकता, ये कंफर्म है, ये विश्वास रखिए आप, यात्रा होगी ना, अगर कोरोना वायरस वाला ये कंडीशन खत्म हो गया तो यात्रा पक्का होगी, यात्रा होगी तो आप जाएंगे, और अगर ये नहीं सब हुआ, मैनेज नहीं हुआ, अभी तो आपके यहाँ भी कर्फ्यू होगा ना, वहाँ बिहार में भी हमारे यहाँ लॉकडाउन बंदी है। हाँ तो वही दिक्कत है ना। बस्ती से बोल रहे हैं। हाँ हाँ, बस्ती जानते हैं कहाँ पड़ता है? नहीं बस्ती सुना नहीं है, पर हाँ गोरखपुर गोंडा के बीच में। अच्छा अच्छा, हाँ। बहुत अच्छा लगा, मतलब इतना आपको लंबा नहीं पड़ता ज्यादा, पहलगाँव से जाना, पहलगाँव से आना, ज्यादा लंबा नहीं पड़ता? लंबा तो पड़ता है, बहुत पड़ता है। तो बालटाल से क्यों नहीं आते आप वापिस? तो मेरी साथी रहती है इंडिया, तो वो कहते नहीं बालटाल में खतरा रहता है। बहुत, किसने बता दिया कोई खतरा है, 10 साल तो हमें हो गया, अभी तो भगवान की वजह से ऐसा कुछ है नहीं। हाँ थोड़ा पहाड़ी वाला इलाका है, मतलब खाई वाई है, लेकिन पहाड़ के तरफ चलेंगे तो अच्छे से यात्रा हो जाती है, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो पहलगाँव से जाके पहलगाँव से वापस जाते हैं, मैक्सिमम लोग जो है ना यात्रा में पहलगाँव से जाते हैं, बालटाल से वापस आते हैं। नहीं खतरे की है, कोई दिक्कत नहीं, बाकी मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे मैसेज करेंगे तो मैं आपको बालटाल के रूट की वीडियो भेजूंगा, देख लेना किस तरह का रूट है, ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है, और वहां से जाके देखना अच्छा लगेगा आपको, बालटाल दोनों रूट देख लेंगे, वो तो बहुत लंबा पड़ता है आपको, पहलगाँव से जाना और पहलगाँव से वापस आना बहुत लंबा है, पहलगाँव से जाएं और बालटाल से वापस आएं, अच्छा रहेगा, ठीक है दीदी? ठीक है, तो आप दिल्ली से दिल्ली में पढ़ते हैं? हाँ हाँ, हमारा दिल्ली में, हम दिल्ली जाते हैं, हमें भी 10-12 साल हो गए, हर साल जाते हैं हम भी, जो भी यात्रा पे जाने वाला इच्छुक हो, चलना चाहे साथ में, वो भी जा सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं दीदी, हमारे ग्रुप में 17-18 लोगों का हुआ है, बाकी 200 बंदों का ग्रुप है, किसी का भी नहीं हुआ, ना मेडिकल हुआ ना रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो यही प्लान किया कि जैसे ही सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, तो उसके बाद जैसे टाइम मिलेगा जब करवा लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जल्दबाजी नहीं। आप लोग को दिल्ली से कराएंगे? हाँ दिल्ली से कराएंगे दीदी, इसी टाइम में जो भंडारा चलता है चंदन मारी के टाइम पे, वो भी दिल्ली वालों का भंडारा है? दिल्ली वालों के यहाँ 2-3 भंडारे हैं, एक तो वहीं पे टिस्सूटो पे भी है, और आपका पंचकर्णी में देखा, वहाँ देखा होगा आपने पोषपत्री में, बता रहे दिल्ली वाले हैं, दिल्ली वालों का है, मायानगर से दिल्ली में उनका घर है। अच्छा अच्छा, आप जानते हैं उनको? हाँ वो भंडारा का। हाँ जी जी जी, तो सर पिछली बार गए तो हमको बहुत, हमारा पैसा थोड़ा घट गया था, हमको बहुत सहयोग किए। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, भंडारे वाले दीदी, हमने तो वीडियो भी बना के डाली हुई है, भंडारे वाले बहुत सहयोग करते हैं, ऐसी बात नहीं है,
क्योंकि हाँ बहुत इतनी बहुत बहुत सहयोग इतनी किए मतलब थे भंडारा लगा रहे हाँ। हैं, अगर वो खर्चा देखते तो भंडारा लगाते ही नहीं, तो यात्रियों को पूरा सहयोग करते हैं, ऐसी दिक्कत नहीं है। सही वही मतलब वो बता रहे थे कि जैसा होगा हम आपको बताएंगे, उनका भी सुबह ऐसा पूरा सामान जाता है उधर। बहुत, हाँ जी बिल्कुल, बहुत महंगे भंडारे मिलते हाँ हैं ऊपर ना। बहुत बहुत नंबर एक का भंडारा उन्हें रमजान में रहता है। हाँ वहाँ पे एक पोचपत्री में भी लगता है, दिल्ली वालों का, शिव सेवा वाला, वो काफी बड़ा भंडारा है हाँ पोचपत्री वाला ना, तो बढ़िया, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। भगवान की ऐसे यात्री ही हैं, तो यात्री ही यात्री की मदद करता है। काफी सारे यात्री पूछते हैं, हम तो ये कहते हैं कभी कोई दिक्कत आए तो भंडारे वालों से मिल लो, सारी मुसीबत का हल कर, रहने की, खाने की, पीने की, सोने की, पैसे की, बहुत मदद करते हैं। वाकई जो भोले बाबा के भक्त वहाँ भंडारा लगाते हैं उनकी तो बात ही अलग है, हमारा ये बात तो है। पैसा घट गया था जाते समय, हमको बहुत सहयोग दिए थे, अच्छा आपको पैसा दिया था उन्होंने, घट गया था हमारे पास पैसा, बहुत बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। सहयोग बहुत किए थे हमारा वो। क्या बात है, बहुत कम लोग तारीफ करते हैं सेवा लेने के बाद, आप कम से कम बोल तो रहे हैं, हाँ चलो चलो इससे और भक्तों को अच्छा लगेगा कि चलो कभी कोई ऐसी मुसीबत आन पड़े तो भंडारे वाले बाबा के भक्त हैं जो वहाँ पे सेवा करते हैं ना। हाँ हमारा पिछली बार पोर्टल भी हमारा वहाँ छूट गया था, तो जब जहाँ जमा किए थे मोबाइल वोबाइल बैग वहाँ अच्छा अच्छा जी, पे मेरा मेरा स्वेटर वहाँ छूट गया था। हम गए प्रसाद चढ़ा के जब आए तो घोड़ा वाले बैठ गए अपना बैग वो लेके स्वेटर भूल गए। अच्छा एक नाक अच्छा तक हमको इतना ठंडी लगा, एक नाक पहुंचे पहुंचे हमको रात हो गया अंधेरा, तो वहां से भंडारा होता तो एक नाक में तो हमको एक जाकिट, हमको बेचारे जाकिट भंडारा वाले दिए काला काला, अच्छा अच्छा बहन बहन जी पहन लीजिए, बहन जी पहन लीजिए, अरे बहुत सेवा मतलब करते हैं। बहुत अच्छी छोटी बहुत मोटी बात बहुत थोड़ी दीदी, जो बंदा अमरनाथ जी में भंडारा लगा रहा है वो छोटा मोटा आदमी थोड़ी होगा, उस पे भोलेनाथ की पूरी कृपा हाँ। ये मान के चलिए आप, नहीं और जो सब क्या इतनी बर्फ में और इतने कठिन रास्ते में भंडारा लगा रहा है वो कोई आम इंसान नहीं है, हाँ उसकी बाबा की कृपा वही लगा रहा है, तो ये समझिए बाबा का ही रूप है जो भक्तों की सेवा करते हैं लोग वहां पे, है ना, ये भी तो आपकी मदद कर रहे सब हैं, क्या नहीं तो नॉर्मल इंसान कहाँ किसी की मदद करता है आज की डेट में। सही बात है। बहुत बढ़िया दीदी, आपको नंबर कहाँ से मिला दीदी मेरा ये वाला? ये नंबर आपका हम बहुत ढूंढे थे, मोबाइल हमेशा फेसबुक चलाते रहते हैं, आपका उस पे आया था लेकिन आप बताते नहीं रहते हो, तो YouTube आप हाँ तो आपका सबको बहुत पसंद आया, हर वीडियो आप डालते रहते हैं, अच्छा तो नंबर आप बहुत खोजे लेकिन हमको मिल ही नहीं रहा, एक दिन आपका नंबर किसी को बता रहे थे अर्जेंट को, तब तक हम जल्दी मिलनी चाहिए, अच्छा अच्छा तो एक दिन लगाए तो फिर साफ बता रहा था, तो फिर एक दूसरे दिन हम लगाए शाम के टाइम, तो शायद लेडी सिखाई थी अच्छा अच्छा हाँ। नहीं मेरा यही ठीक यही नंबर व्हाट्सएप पे भी दीदी है, व्हाट्सएप पे भी आप मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी हमारा अच्छा ये रहता है जो भी बंदा अमरनाथ जी जाना चाहता हो या भोले बाबा के किसी धाम पे, मणिमहेश, किन्नर कैलाश, श्रीखंड यात्रा, जो भी भोले बाबा की यात्राएं भगवान के आशीर्वाद से हाँ छोटी बहुत करी रखी है, तो किसी को कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो बात कर सकता है, क्योंकि कोई भी भक्त परेशान ना हो, बस मेन मकसद यही है, कोई भी भक्त परेशान ना हो, हाँ ठीक है दीदी? हाँ भैया तो चलो बात सही है तब हाँ, तो मैं कोई भी आप, हाँ व्हाट्सएप यूज करते हैं दीदी आप? हाँ। हाँ तो मेरे को आपका ये नंबर व्हाट्सएप पे ही है ये वाला? जी, हाँ यही हाँ तो नंबर मैं आपको कुछ वीडियो भेज दूंगा, जैसे कोई अपडेट आएगा ना श्री अमरनाथ जी यात्रा का तो आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है हाँ दीदी? ठीक 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 है, भैया और जो बाकी आपकी और मेरी बात हुई, आपने भंडारे वालों की तारीफ की है, तो मैं इसको YouTube पे डाल दूंगा हाँ ताकि और लोगों को भी अच्छा लगे, भंडारे वाले सुनेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा कि चलो किसी ने, कोई हाँ तो है जिसने हेल्प लेने के बाद तारीफ की, ठीक है दीदी? हाँ जाए ठीक चलो ठीक ठीक है, ठीक ध्यान रखना अपना, ओके, जय जय भोले जी की, जय भोले जी की। जय। श्री अमरनाथ जी यात्रा से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बाबा जी के आशीर्वाद से हमारी ये कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द और सही जानकारी आप तक पहुंचाई जाए। जय बाबा बर्फानी जी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी।